आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। काटकोट और बकावा के किसानों ने भोपाल पहुंचकर विधायक सचिन बिरला के नेतृत्व में कृषि मंत्री कमल पटेल को दिया ज्ञापन। दिनांक 24 फरवरी 2021 को बड़वाह तहसील के ग्राम काटकोट और बकावा के किसानों ने विधायक सचिन बिरला के नेतृत्व में भोपाल में विधानसभा गेट नंबर 3 पर कृषि मंत्री श्री कमल पटेल से मुलाकात कर एक घंटे तक अपनी समस्याओं से अवगत कराया और ज्ञापन सौंपा। कृषि मंत्री श्री कमल पटेल द्वारा तत्काल एक्शन लेते हुए खरगोन कलेक्टर से फोन पर चर्चा कर कहा कि प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसलों का जो भी नुकसान हुआ उसका सही तरीके से सर्वे करे। सर्वे की वीडियोग्राफी के साथ हर गांव के सरपंच, तहसीलदार और पटवारी को साथ में लेकर सर्वे करे। मंत्री जी ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि कल से ही सर्वे का काम प्रारंभ करे, वहीं सर्वे कर एक प्रति किसान को देवे और एक स्वयं रखे, साथ ही एक पंचायत को देवे। इस प्रकार की चर्चा करते हुए किसानों को फसल नुकसानी का उचित मुआवजा दिया जावे। जिला स्तर से सर्वे करवाने के बाद किसानों को पैसा हम देंगे। माननीय श्री कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा कलेक्टर महोदय से कहा गया कि किसानों से विनम्र चर्चा करें। आपको बता दें, विगत दिनों बड़वा विधानसभा क्षेत्र के लगभग 800 एकड़ भूमि पर लहलहाती फसल गेहूं और चना भीषण ओलावृष्टि के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जिसका निरीक्षण विधायक श्री सचिन बिरला ने स्वयं किसानों के साथ उनके खेतों में पहुंचकर किया था। अब किसानों ने कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार से किसानों की फसल बर्बादी का सही आकलन कर शीघ्र मुआवजा और फसल बीमा का लाभ देने की मांग की। इस दौरान ज्ञापन देने ग्राम काटकोट और बकावा के निम्न किसान मौजूद थे: राधेश्याम जी जाट, आत्माराम जी जाट, सुंदरलाल जी जाट, सेवाराम जी कालू, बबलू, मुकेश गुर्जर, पवन गुर्जर, दिनेश जाट, पत्रकार शिवम जाट, संजय जाट, कालू भाई, डीडेल सत्यनारायण जाट, आकाश जाट, नाराचरण आदि उपस्थित थे। काटकोट से दिनेश जाट की रिपोर्ट। गत दिनों काटकोट क्षेत्र के ग्रामों में सैकड़ों हेक्टेयर भूमि पर ओलावृष्टि हुई है और उसका निरीक्षण करने विधायक श्री सचिन बिरला अपने साथियों के सहित यहाँ खेतों में आए हैं। मैं श्री बिरला से जानना चाहूँगा कि वो किसानों को ही नुकसानी का किस प्रकार उनको लाभ दिलाएंगे और कैसे मुआवजा या फसल बीमा का लाभ दिलाएंगे, इसके लिए वो क्या कर रहे हैं। आज हम लोग काटकोट क्षेत्र के किसानों के साथ हैं। विगत दिनों 2-3 दिन पहले यहाँ पर ओलावृष्टि हुई, जिससे बरखेड़ा, मुंडला, लिम्बी, लाइनपुरा, भेरूखेड़ा, नीमखेड़ा, पलसुद, बरगना करीबन 750 एकड़ की गेहूं की फसल पूरी तरह ज़मीन पर बिछ गई है। चूँकि आप सब समझते हैं, जब गेहूं ज़मीन पर बिछ जाता है तो वो उसका दाना बारीक हो जाएगा और पूरी तरह से फसल ये बर्बाद हो चुकी है। हम ये चाहते हैं कि इसका मुआवजा सरकार दे। इसके लिए अभी SDM साहब से बात हुई है, उन्होंने अधिकारियों का एक दल बनाया है। कृषि विभाग के अधिकारी और पटवारी, ग्राम सेवक, ये सब मिल के पूरा निरीक्षण करेंगे और कितने एकड़ वस्तुस्थिति से अवगत होंगे और कितने एकड़ ज़मीन पर फसल लगी हुई फसल थी गेहूं की वो बर्बाद हुई है, उसका आकलन करेंगे और उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखेंगे, कृषि मंत्री को पत्र लिखेंगे और मुआवजे की मांग करेंगे। लगभग कितने क्षेत्रों में फसल नष्ट हुई है? ये हुई है 750 एकड़ में, जिसमें करीबन 10 गाँव प्रभावित है, जिसमें कुछ साइलेंट गांव भी है। बरखेड़ा है अपना, मुंडला है, लिम्बी है, लाइनपुरा, भेरूखेड़ा, नीमखेड़ा, पलसुद और बरगना, काटकोट, ये सभी गांव इसकी जद में आए हैं और ये इस समय किसानों को बड़ी राहत देने का काम सरकार ने करना चाहिए, ऐसा हम सर लोग सब सरकार से भी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करेंगे। सरकार के आला अधिकारी भी अभी यहाँ पर आएंगे इसके बाद और सारी व्यवस्था को देखते हुए किसानों को किस तरह से मुआवजा और राहत की बात होती है उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री से बात करेंगे। धन्यवाद।